जयपुर में दी बार एसोसिएशन का चुनाव परिणाम घोषित हो गया है, जिसके बाद जिला सेशन कोर्ट में विजेता प्रत्याशियों के समर्थकों ने जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए समर्थकों ने रंग उड़ाकर और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। दी बार एसोसिएशन के चुनाव परिणाम के आधार पर अध्यक्ष पद पर कमल किशोर शर्मा ने 2130 मतों से चुनाव जीता। वे उपाध्यक्ष पद पर प्रमोद कुमार अग्रवाल ने 2073 और दीप्ति शर्मा ने 1372 मतों के साथ चुनाव जीता। महासचिव के पद पर मनोज कुमार शर्मा, पुस्तकालय सचिव के पद पर गिरिजेश चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव के पद पर सुनील कुमार शर्मा, सांस्कृतिक सचिव घनश्याम विजय, कोषाध्यक्ष महेंद्र गहलोत, उप कोषाध्यक्ष सुश्री टीनू यादव ने जीत हासिल की। ये जीत का श्रेय जयपुर बार एसोसिएशन के मेरे परम सम्मानीय सभी अधिवक्ता गणों को है, जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के लगातार प्रयास किया, लगातार इस तरीके का प्रयत्न किए कि जिसकी वजह से हमारे को ये एक ऐतिहासिक विजय श्री प्राप्त हो सके। मैं उन सभी अधिवक्ता गणों का जयपुर बार एसोसिएशन के शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इसके लिए कि जिन्होंने रात दिन एक कर दिए और उसके बाद में आज हम इस ऐतिहासिक जीत के कदम पर पहुंचे हैं। मैं नमन करता हूं उन सभी अधिवक्ता गणों को, मेरे दिल के हृदय के अंत स्थल से उन सभी लोगों को साधुवाद देता हूं। देखिए, मेरा सबसे प्राथमिक उद्देश्य अधिवक्ता हितार्थ, अधिवक्ता कल्याणार्थ कार्य किया जाना है, जिसके लिए मैं निश्चित बहुत बहुत अच्छा लगा सर, इतने सारे अधिवक्ताओं ने हमारे को साथ दिया और सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबका, सभी अधिवक्ता बंधुओं का मेरा हार्दिक धन्यवाद। सर हमारा वेलफेयर का रहेगा, एक एक वकीलों के लिए बैठने की, वकीलों के बैठने के लिए व्यवस्था, और हमारे वो प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने के लिए हमारी मांग बहुत टाइम से है सरकार से, उसके लिए हम और जोर और शोर से संघर्ष करेंगे।